स्वागत करता हूँ। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59(6) ऑन जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल में रूल 59(6) इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए, सारा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं न्यूज एंड अपडेट्स में है, 26 अगस्त को आया था। इसमें क्या बोला गया है, ये रूल पहले बोलता हूँ, रूल 59(6) क्या है। ये रूल 59(6) ऑफ CGST रूल्स 2017 कब आया था, 1 जनवरी 2021 में आया था। नोटिफिकेशन नंबर था 1/2021। ये क्या चीज़ का था, इसमें आपको रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था कि फाइलिंग करने में, GST-1 फाइलिंग करने में रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था। किस केस में रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था, जो लोग GST-3 भी फाइलिंग नहीं करते हैं। इसमें क्या मोटिव था गवर्नमेंट का ये रूल लाने के लिए, मोटिव ये था कि जो लोग फ्रॉड करते थे GST के साथ, कि GST-1 तो रिटर्न फाइलिंग कर दे रहे थे, फॉल्स बिल इनवॉइस सामने वाला को इशू करते थे, उसको इनपुट शेयर कर दे रहे थे, लेकिन वो लोग टैक्स पेमेंट नहीं करते थे, यानी GST-3 भी फाइलिंग नहीं करते थे, जिस वजह से गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होना हो रहा था और बहुत फ्रॉड चल रहा था। अभी इसमें क्या किया, ये रूल का माध्यम से आपका ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आप 3B फाइलिंग नहीं करेंगे तो आपको GST-1 भी फाइलिंग नहीं करने देगा सिस्टम। तो ये आपको अभी ये रूल जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, आपका GST पोर्टल भी डायरेक्ट आपको फाइलिंग नहीं करने देगा। ये कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, 1 सितंबर 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें क्या क्या सिचुएशन में आपको रेस्ट्रिक्शन लगाएगा GST-1 लगाने में, पहला केस जो है मंथली बेसिस में जो लोग हैं उन लोग के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाएगा कि वो लोग कंटिन्यू बेसिस में टू प्रीसीडिंग टू मंथ आप रिटर्न फाइलिंग नहीं कर रहे हैं GST-3B, तो आपको GST-1 फाइलिंग नहीं करने देगा, ठीक है। GST पोर्टल आपको रोक देगा कि आप जैसे सबमिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, वो सबमिट नहीं होगा, वो एरर शो करेगा कि आप कंटिन्यूस में 2 महीना आप 3B फाइलिंग नहीं किए होंगे, तो आपको GST-1 फाइलिंग नहीं करने देगा, ठीक है। ये हो गया मंथली बेसिस में जो लोग हैं, जो लोग QRMP स्कीम एक्टिव करके रखे हैं उन लोग के लिए क्या है, उन लोग का GST-1 या फिर IFF जो रिटर्न लगाते हैं उसमें भी उन लोग को रोकेगा कैसे, कि आप रिटर्न फाइलिंग इफ ही हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न इन फॉर्म GST-3B फॉर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड, यानी प्रीसीडिंग जो पिछले वाले टैक्स पीरियड में वो GST-3B फाइलिंग नहीं किया, यानी पिछले क्वार्टर वाला जो रिटर्न जो उसमें 3B जो है फाइलिंग नहीं किया होगा, तो उसमें भी उसको GST-1 हो या फिर IFF का जो रिटर्न जो लोग लगाते हैं उसमें भी उसको ब्लॉक करेगा सिस्टम, उसको रोकेगा रिटर्न लगाने में। तो आप इसको इग्नोर अभी मत करिए, आपको GST-1 लगाने के लिए तो आपको 3B फाइलिंग करना जरूरी है, ठीक है। ये 1 सितंबर से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, आप देख सकते हैं GST पोर्टल में होगा 1 सितंबर से। सिस्टम आपको क्या करेगा, ऑटोमेटिक चेक करेगा आपको GST-1 और IFF भरने के पहले, आपको सिस्टम चेक करेगा कि आपको 3B फाइलिंग हुआ है कि नहीं। मंथली बेसिस में जो लोग करते हैं वो देखेगा प्रीसीडिंग टू मंथ टैक्स पीरियड प्रीसीडिंग देखेगा, उसके बाद जो लोग क्वार्टरली बेसिस में है उसका देखेगा कि पिछले क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर में टैक्स पीरियड में वो 3B फाइलिंग हुआ है कि नहीं, वो सिस्टम देखेगा। उसके बाद आपको सिस्टम रेस्ट्रिक्टेड करेगा GST-1 और IFF भरने के टाइम में, ठीक है। ये कब आपको वो अलर्ट करेगा, आप सबमिट बटन जब प्रेस करेंगे GST-1 हो या फिर IFF का, उस टाइम आपको सिस्टम एरर शो करेगा, उस टाइम आपको एरर मैसेज शो करेगा, ठीक है। ये जो आपका ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप जैसे रिटर्न लगा GST-3B ऑटोमेटिक वो ब्लॉक हट जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। जैसे पहले था कि आपको 3B नहीं फाइलिंग करेंगे तो आपको UA बिल में ब्लॉक कर दिया जाएगा, UA बिल आपको जनरेट नहीं करने देगा। तो ऐसे ही सेम GST-1 और IFF के लिए भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। इसमें क्या होगा कि आपको कुछ दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा वो रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए, वो ऑटोमेटिक जैसे ही आप रिटर्न फाइलिंग लगा देंगे GST-3B फाइलिंग कर देंगे ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि ऑटोमेटिक वो ब्लॉक जो हुआ है वो अनब्लॉक ऑटोमेटिक हो जाएगा, UA बिल हो या फिर आपका GST-1 हो या फिर IFF में जो ब्लॉक रखा है ऑटोमेटिक फिर आपका अनब्लॉकिंग हो जाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए आपको सारा जो है आपको जीएसटीआर 1 हो आईएफए भरने के लिए आपको 3B फाइलिंग करना जरूरी है। तो आपको सारा जो पेंडिंग है वो पेंडिंग को क्लियर कर दीजिए, ठीक है। आपका जीएसटीआर 3B जो भी फाइलिंग नहीं किए तो आपको 1 सितंबर से पहले आपको सारा क्लियर कर देना चाहिए, सारा फाइलिंग कर देना चाहिए। और आपको जीएसटीआर रिटर्न को सीरियसली लीजिए, 1 के साथ 3B एक साथ फाइलिंग करिए, कोशिश करिए। यहाँ पे आपको तो ये आ गया है, अभी आप 2 महीने से ज़्यादा आप ये कर रहे हैं मंथली बेसिस में, जो लोग हैं जीएसटीआर 3B फाइलिंग नहीं कर रहे तो आपको सिस्टम ब्लॉक कर देगा, जीएसटीआर 1 भी फाइलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, जिसको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है उसके पास ज़रूर शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई डाउट रहता है जीएसटी का इसी का ऊपर तो मेरे को कमेंट के जरिए पूछ लेंगे, मैं तुरंत रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगा। उससे अच्छा मेरा चैनल जो है ज्वाइनिंग ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको मैं क्या करूँगा, जरूर तुरंत मदद करने के लिए कोशिश करूँगा, और टेलीफोनिक भी हो सकता है या फिर व्हाट्सअप जरिए भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँगा, तुरंत कर दूँगा। उसमें ज्वाइनिंग भी बहुत कम अमाउंट है, कोई उतना अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा प्राइस है। तो प्लीज़ ज्वाइन करिए मेरा चैनल को, और सब्सक्राइब का ऑप्शन क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।